हेलो एवरीवन वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट टू ऑफ क्लास सेवेंथ मैथ्स एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री इस एक्सरसाइज के फर्स्ट फोर क्वेश्चंस हम लोग पार्ट वन में कवर कर चुके हैं फिफ्थ ऑनवर्ड्स जो रिमेनिंग है वी विल कवर इन दिस वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इज आई बाई अ टी वी फोर मैंने टेन का एक टी लिया एंड सेल इट एट अ प्रॉफ़िट ऑफ रुपीज ट्वेंटी परसेंट कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज आपको दी है हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट तो बताइए जब आप उसे सेल करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा यानी कि सेलिंग प्राइस आपको बताना है ओके आंसर नंबर फाइव सी पी कॉस्ट प्राइस कितना है टेन थाउजेंड प्रॉफिट परसेंट कितना है ट्वेंटी परसेंट अगर प्रॉफिट परसेंट ट्वेंटी परसेंट है क्या प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं कितना होगा देखिए प्रॉफिट या लॉस जैसा मैंने पहले भी कहा था हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट होगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड का आपने खरीदा ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट अगर ले रहे हैं तो टेन थाउजेंड के ऊपर ही ट्वेंटी परसेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ट्वेंटी परसेंट यानी कि ट्वेंटी बाई हंड्रेड ऑफ यानी कि इन टू टेन थाउजेंड देखिए कितना होगा ट्वेंटी एंड वन टू टू थाउजेंड यानी कि टू थाउजेंड का आपको प्रॉफिट हुआ टेन थाउजेंड में आपने टी वी लिया टू थाउजेंड प्रॉफिट के बाद उसे बेच दिया तो कितने में बेचा होगा ट्वेल्व थाउजेंड में ऑब्वियसली तो सेलिंग प्राइस जो है ये होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट फिर से मैं कह रही हूँ थोड़ा सा जनरलाइज करके क्वेश्चन को आप करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा राधा देन कि आप सारे फार्मूलाज लर्न करें अब ये कोई फार्मूला नहीं है एस पी इक्वल्स टू सी पी प्लस प्रॉफिट आप जनरली भी जानते हैं अगर कॉस्ट प्राइस इतना है टेन थाउजेंड है टेन रुपीज है मान लीजिए एक पेन आपने टेन में लिया दो के प्रॉफिट पे उसे बेच दिया तो ऑब्वियसली आप उसे ट्वेल्व में बेचेंगे तो सीपी और प्रॉफिट को ऐड करके एसपी आता है ओके सो सीपी था टेन थाउजेंड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया टू थाउजेंड तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड सिंपल ओके नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन इज जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड जूही ने एक वॉशिंग मशीन सेल की है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में एंड शी लूजेज़ ट्वेंटी परसेंट इन द बार्गिन बार्गनिंग में उसको ट्वेंटी परसेंट का लॉस हुआ है तो बताइए वॉट वॉज द प्राइज एट विच शी वॉट इट यानी कि कॉस्ट प्राइज ही मिसिंग है जिसके ऊपर सभी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है जो बेस होता है हमारा वो अगर मिसिंग है तो आप उसे एक्स लेकर चलेंगे आंसर नंबर सिक्स आप कहेंगे लेट कॉस्ट प्राइस मान लीजिए उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो X था, of washing machine, एक्स था ऑफ वॉशिंग मशीन बी रुपीज़ एक्स नाउ लॉस लॉस परसेंट आपको कितना दिया है ट्वेंटी परसेंट वो ट्वेंटी परसेंट लूज करती है बार्गनिंग में सो लॉस परसेंट ट्वेंटी परसेंट अगर है तो लॉस कितना होगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ एक्स क्योंकि हमेशा लॉस या प्रॉफिट सी पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं ट्वेंटी बाई हंड्रेड ऑफ यानी कि इंटू एक्स टू फाइव ज़ार टेन टू वन जार टू एक्स इंटू वन इज़ एक्स एक्स बाई फाइव एक्स बाई फाइव आपका लॉस है एक्स रुपये की वो आ, मशीन थी और सेलिंग प्राइस आपको दिया है एस है उसका कितने में उसने सेल की थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब इसको इक्वेशन में आप लिखेंगे फाइव हंड्रेड ओके एस क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस जैसे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वैसे ही लॉस माइनस करते हैं थोड़ा स्केल डाउन करके सोचिए मान लीजिए आपने टेन रुपीज़ की कोई पेन खरीदी आप उसको वन रुपी लॉस पर सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसे नाइन रुपीज़ में सेल करेंगे है ना तो यानी कि कॉस्ट प्राइस में से लॉस अगर माइनस कर दे तो सेलिंग प्राइस आ जाता है ये फॉर्मूला भी आप जनरल uh, सोच के लिख लेंगे इस तरीके से ना एस कितना है थर्टीन थाउजेंड कितना है हमने एक्स माना है माइनस लॉस कितना है एक्स बाई सो थर्टीन थाउजेंड फाइव इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस एक्स बाई फाइव ऐसे ही करते हैं नाम एक्सप्रैक्शन में फाइव इन टू एक्स फाइव एक्स बीच में माइनस एज इट इज रहेगा एक्स फाइव एक्स माइनस एक्स इज फोर एक्स थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्वल्स टू फोर एक्स बाई फाइव सो फाइव इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर जो है वो डिवाइड डिवीजन में जाएगा डिनोमिनेटर में एक अब आपको इसे सॉल्व करना है फोर से थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को कैंसिल करेंगे फोर थ्री हज़ार ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन हो गया फोर थ्री हज़ार ट्वेल्व थर्टीन फोर्टी फोर सेवन हज़ार ट्वेंटी एट ट्वेंटी हो गया फोर फाइव हज़ार ट्वेंटी फाइव फाइव हज़ार ट्वेंटी फाइव फाइव सेवन हज़ार थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस टू थर्टी सेवन थ्री कैरी फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन वन कैरी फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन इक्वल्स टू एक्स एक्स यानी कि सेलिंग प्राइस तो हमारा सॉरी कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा मशीन आपने कितने में बाई की थी सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव में ओके okay, में खरीदी थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में बेच दी इसलिए आपको ट्वेंटी परसेंट का लॉस हुआ ओके okay, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चौक कंटेन कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो टेन रेशो थ्री रेशो ट्वेल्व चौक के अंदर कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन इस रेशो में है टेन शेयर कैल्शियम का है थ्री शेयर कार्बन का है ट्वेल्व शेयर ऑक्सीजन का है फाइन द पर पर्सेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक तो कार्बन का बताइए कितना परसेंट है हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आई थिंक लास्ट जो पार्ट वन है इसका उसमें किस तरीके से रेशो को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में वो सीखा था सबसे पहले आप टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे रेशो क्या है टेन रेशो थ्री रेशो ट्वेल्व आंसर नंबर सेवन कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो है टेन रेशो थ्री रेशो ट्वेल्व सबसे पहले आप टोटल पार्ट्स लिखेंगे कितना है टेन प्लस थ्री प्लस ट्वेल्व कितना होगा टेन प्लस थ्री थर्टीन थर्टीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव ओके अब किसका परसेंट किसका पूछा है कार्बन का कार्बन का पहले फ्रैक्शन लिखिए फ्रैक्शन पार्ट कितना है पार्ट ऑफ कार्बन कार्बन यहाँ पर थ्री था थ्री आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ टोटल हमेशा लिखते हैं थ्री बाई ट्वेंटी फाइव कार्बन है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा थ्री बाई ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड फ्रैक्शन को हमेशा हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं थ्री फोर जार ट्वेल्व ट्वेल्व परसेंट उसमें कार्बन है ओके okay? नेक्स्ट बी पार्ट कह रहा है इफ़ द स्टिक ऑफ चौक इफ इन द स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज थ्री ग्राम कार्बन जो है वो थ्री ग्राम है देन वॉट इज द वेट ऑफ चौक स्टिक तो चौक स्टिक का वेट बताइए कितना है कार्बन थ्री ग्राम है कार्बन का पार्ट कितना था लेकिन थ्री बाई ट्वेंटी फाइव यानी कि होल क्वांटिटी मिसिंग है आपको नहीं पता पूरी चौक कितने की थी लेकिन आपको उसमें कार्बन का शेयर पता है कि वो थ्री ग्राम्स हैं और हमारे अकॉर्डिंग कार्बन का पार्ट कितना था थ्री बाय ट्वेंटी फाइव तो आप कहेंगे आंसर नंबर सेवन का सेकेंड पार्ट लेट द होल क्वांटिटी लेट द वेट ऑफ चौक बी एक्स मान लीजिए चौक का जो वेट था वो एक्स था नाउ उसमें शेयर ऑफ कार्बन कितना है पार्ट ऑफ कार्बन कितना है थ्री बाई ट्वेंटी फाइव सो यानी कि थ्री बाई ट्वेंटी फाइव ऑफ एक्स टोटल चौक का थ्री बाई ट्वेंटी फाइव कार्बन है और कार्बन कितना दिया है कार्बन दिया है थ्री ग्राम्स दिस इज इक्वल्स टू थ्री ग्राम्स थ्री बाई ट्वेंटी फाइव पार्ट ऑफ टोटल चौक विच इज कार्बन कार्बन जो है वो थ्री बाई ट्वेंटी फिफ्थ पार्ट है टोटल का ये देखिए यहाँ पर लिखा है पार्ट ऑफ कार्बन और वो कितना है वो है थ्री ग्राम्स तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे थ्री देन एक्स इक्वल्स टू थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव बाई थ्री थ्री से थ्री कैंसिल एक्सेज ट्वेंटी फाइव ग्राम्स तो यानी कि टोटल जो स्टॉक है वो ट्वेंटी फाइव ग्राम्स की है ओके नेक्स्ट अमीना बाइस अ बुक फॉर पीस टू सेवेंटी फाइव अमीना इतने में एक बुक खरीदती है एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट के लॉस पर उसे सेल करती है हाउ मच डज शी सेल इट फॉर तो सेलिंग प्राइस बताइए कितने में वो उसे बेचेगी इतने में अगर खरीदी टू सेवेंटी फाइव में सो so ऑब्वियसली ये उसका कॉस्ट प्राइस है आंसर नंबर एट सीपी आपको दिया है टू सेवेंटी फाइव उसके बाद लॉस परसेंट कितना है फिफ्टीन परसेंट सो लॉस कितना होगा प्रॉफिट या लॉस हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं सीपी पर सो फिफ्टीन परसेंट किसका ऑफ सीपी यानी कि टू सेवेंटी फाइव का तो टू सेवेंटी फाइव का फिफ्टीन परसेंट निकालिएसेंट यानी कि बाई हंड्रेड ऑफ यानी कि इन टू सेवन फाइव आई थिंक कैंसिल आउट करने का फायदा नहीं है क्योंकि हंड्रेड से पूरा कटेगा नहीं ज़्यादा ईजी रहेगा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए फिफ्टीन से टू सेवेंटी फाइव को जो आंसर है उसमें लास्ट से दो नंबर के बाद पुट कर दीजिएगा फिफ्टीन फाइव जार सेवेंटी फाइव सेवन कैरी फिफ्टीन सेवन जार वन हंड्रेड एंड फाइव वन हंड्रेड एंड फाइव प्लस सेवन वन हंड्रेड एंड टूल्व इलेवन कैरी फिफ्टीन टू जार थर्टी थर्टी प्लस इलेवन फोर्टी वन फोर वन टू फाइव और लास्ट से दो नंबर छोड़ के हम लोग डेसिमल पुट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हंड्रेड भी है इतने का उसे लॉस हुआ है तो इतने की उसने खरीदी ये लॉस हुआ आपको एस पी निकालना है एस पी क्या होता है जितने में आपने खरीदी माइनस जितने का आपको लॉस हो गया माइनस लॉस सी पी माइनस लॉस सी पी कितना था टू सेवेंटी फ़ाइव माइनस आप करेंगे फोर्टी वन पॉइंट टू फाइव इसको टू सेवन फाइव पॉइंट जीरो जीरो माइनस फोर वन पॉइंट टू फाइव फाइव नाइन माइनस टू इज सेवन फोर माइनस वन इज़ थ्री देन सेवन माइनस फोर इज़ थ्री टू आंसर इज़ टू हंड्रेड एंड थर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव ये आपका सेलिंग प्राइस है इतने में वो उसे सेल करेगी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके बेस्ड हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्या होता है इंटरेस्ट है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी आपको पैसे की जरूरत थी उस टाइम आपने किसी से लोन लिया मनी को बोरो किया तो उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं तो जितना अमाउंट आप लेते हैं सबसे पहले तो उसे प्रिंसिपल कहा जाता है जो एक्स्ट्रा मनी आप पे करते हैं फिर उसके साथ उसे इंटरेस्ट कहते हैं और जो फाइनल अमाउंट आप देते हैं उसे अमाउंट कहेंगे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से थाउजेंड रुपीज़ लिए उसके बाद आफ्टर वन ईयर आपने उसे पे बैक किया तो फीस जो उसने एक्स्ट्रा जो चार्ज लिया है वो टेन रुपीज़ है तो आपने कितना दिया उसको वन थाउजेंड टेन तो प्रिंसिपल था आपका वन थाउजेंड इंटरेस्ट है टेन जो एक्स्ट्रा अमाउंट है और टोटल जो आपने पे बैक किया यानी कि अमाउंट वो हो जाएगा वन थाउजेंड टेन ओके इंटरेस्ट का एक फिक्स रेट होता है जब आप किसी से अमाउंट लेते हैं पैसे लेते हैं या किसी को लेंड करते हैं देते हैं तो उस टाइम पर ही इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है कि किस रेट पर आपने इंटरेस्ट दिया है और देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई हंड्रेड सिंपल प्रिंसिपल जो अमाउंट आपने दिया है या लिया है प्रिंसिपल अमाउंट किस रेट पर क्या इंटरेस्ट रेट है इनटू कितने टाइम के लिए अमाउंट जो मनी है वो दी गई है डिवाइडेड बाय हंड्रेड ओके चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फाइंड दी अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स इन ईच केसेस दो केसेस आपको दिए हुए हैं बताइए एट द एंड ऑफ थ्री ईयर्स तीन साल के बाद कितना अमाउंट आप पे करेंगे इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले आंसर नंबर नाइन प्रिंसिपल कितना है वन थाउजेंड टू हंड्रेड रेट क्या है ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट पी ए पी ए यानी कि पर आनम एनुअल आपका इंटरेस्ट रेट ट्वेल्व परसेंट है यानी कि अगर आप हंड्रेड रुपीज़ लेते तो आपको एक साल में बारह रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं देने पड़ते टाइम कितना है टाइम आपको दिया हुआ है थ्री ईयर्स क्वेश्चन में यहाँ पर ओके थ्री ईयर्स सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करेंगे इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट पी इंटू आर इंटू टी पहले फॉर्मला लिख लीजिए इंटू टी बाई हंड्रेड ये हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल है ट्वेल्व हंड्रेड रेट है ट्वेल्व परसेंट टाइम है थ्री ईयर्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड जीरो 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 कैंसिल ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व वन फोर्टी फोर इंटू थ्री फोर थ्री जार ट्वेल्व टू कैरी वन फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन वन अगेन कैरी हुआ फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व सॉरी थ्री वन जार थ्री प्लस वन फोर फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू इतना आपका इंटरेस्ट है आपने लोन ट हंड्रेड का ये आपको इंटरेस्ट यानी कि एक्स्ट्रा पे करना है अमाउंट यानी कि कितना अमाउंट आप पे बैक करेंगे अमाउंट हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना था ट्वेल्व हंड्रेड क्योंकि आप बारह सौ रुपए तो देंगे ही देंगे प्लस एक्स्ट्रा कितना देंगे फोर थर्टी टू तो ये हो जाएगा सिक्सटीन हंड्रेड एंड थर्टी टू यह आपका आंसर है चलिए सेकेंड पार्ट है इसका बी पार्ट प्रिंसिपल है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रेट है फाइव परसेंट टाइम है थ्री इयर्स टाइम कॉमन है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला इंटरेस्ट हमारा होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई हंड्रेड पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रेट है फाइव परसेंट टाइम है थ्री इयर्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड फाइव थ्री हजार फिफ्टीन सेवनटी फाइव इंटू फिफ्टीन फिफ्टीन फाइव हजार सेवेंटी फाइव फाइव सेवन कैरी फिफ्टीन सेवनजार वन हंड्रेड एंड फाइव वन हंड्रेड एंड फाइव प्लस सेवन वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो ये हो जाएगा वन वन टू फाइव आपका इंटरेस्ट है आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड था इंटरेस्ट वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव है फाइव टू सिक्स एट एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ये इतने रुपीज़ ये आपका अमाउंट है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट रेट गिव्स रुपीज टू फिफ्टी टू एटी एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज फिफ्टी सिक्स थाउजेंड इन टू ईयर्स आपको टाइम दिया है uh, प्रिंसिपल दिया है क्वेश्चन में कहा है किस रेट से इतने रुपए के ऊपर दो साल में टू हंड्रेड एंड एटी इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट पता है प्रिंसिपल पता है टाइम पता है रेट मिसिंग है ओके आंसर नंबर टेन प्रिंसिपल कितना है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रेट क्या है क्वेश्चन मार्क नहीं पता है टाइम कितना है टू इयर्स और इंटरेस्ट कितना है इंटरेस्ट है रुपीज़ टू हंड्रेड एंड एटी चलिए फॉर्मूला लगाते हैं इंटरेस्ट होता है हमारा पी इंटू आर इंटू टी बाय हंड्रेड प्रिंसिपल कितना है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रेट मिसिंग है टाइम कितना है टू इयर्स बाई हंड्रेड एंड दिस इज इक्वल्स टू टू एट ज़ीरो इंटरेस्ट की जगह ये लिख दिया जो गिवन था प्रिंसिपल रेट टाइम बाय हंड्रेड चलिए सॉल्व करते हैं डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ से तो टू एटी डिवाइडेड बाय फाइव सिक्सटी इंटू टू ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी एंड टू एंड राइट हैंड साइड में आपका रेट बचेगा सो so, जीरो से ज़ीरो कैंसिल ट्वेंटी एट टू ज़ार फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी वन वन जार ट्वेंटी वन तो वन बाई टू टू जार फोर वन बाई फोर इक्वल्स टू रेट तो रेट कितना है हमारा वन बाई फोर परसेंट या फिर अगर आप डेसिमल में लिखना चाहे जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज फोर्टी फाइव फॉर वन ईयर एट नाइन परसेंट रेट पर आनम मीना ने फोर्टी फाइव रुपीज इंटरेस्ट दिया है एक साल में नाइन परसेंट के रेट से आपको रेट दिया है टाइम दिया है इंटरेस्ट दिया है वॉट इज द सम शी हैज बोरोड कितना उसने अमाउंट जो है वो बोरो किया था उधारी लिया था यानी कि प्रिंसिपल मिसिंग है आंसर eleven प्रिंसिपल इज क्वेश्चन मार्क रेट इज nine percent इंटरेस्ट इज forty five rupees एंड टाइम इज one ईयर ओके सो इंटरेस्ट क्या होता है p इंटू आर इंटू टी बाई हंड्रेड इंटरेस्ट कितना है फोर्टी फाइव दिस इज इक्वल्स टू पी विच इज मिसिंग रेट विच इज़ नाइन परसेंट टी टाइम विच इज़ वन ईयर डिवाइडेड बाई हंड्रेड सो p कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव इंटू हंड्रेड हंड्रेड ऊपर चला जाएगा और वन और नाइन वन को लाने का तो कोई मतलब है नहीं नाइन डिनोमिनेटर में आ जाएगा नाइन फाइव आर फोर्टी फाइव फाइव इन टू हंड्रेड इज फाइव हंड्रेड तो प्रिंसिपल है आपका फाइव हंड्रेड यानी कि उसने कितना बोरो किया था वॉट इज द सम ऑफ मनी शी हैज़ बोरोड रुपीज फाइव हंड्रेड शी बोरोड फाइव हंड्रेड रुपीज ओके okay? चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश होती है आपकी होपफुली सभी क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आ गए हो That's all. Thank you so much for watching.